नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। एस्ट्रोमित्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमचंद्र पांडे आज के पंचांग के बारे में और आपके भविष्य फल के बारे में जानकारी देता हूँ। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2018 आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी रविवार है। त्रयोदशी दोपहर 2:22 तक रहेगी, तो तत्पश्चात चतुर्दशी लगेगी, परंतु आज ही त्रयोदशी का श्राद्ध दिवस माना जाता है जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 3:18 तक, बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्ल नाम योग रात्रि 8:33 तक, बाद में ब्रह्म योग भवकरण दोपहर में 2:02 तक, बाद में भद्राकरण चंद्रमा रात्रि 8:50 तक सिंह राशि में रहेगा, बाद में कन्या राशि में। आज का सूर्य उदय भोपाल में 6:18, सूर्य अस्त 5:59। आज के ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है, चंद्रमा सिंह राशि में, राहु कर्क राशि में, गुरु शुक्र और बुध तुला राशि में, शनि धनु राशि में, मंगल और केतु मकर राशि में। आज का आपको भविष्य बताते हैं। आज का भविष्य आपका राशिवार क्या क्या है निम्नानुसार है। सूरज मेष राशि, आज का दिवस बहुत उत्तम है। संतान की प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। वाहन से सावधान रहने की आवश्यकता है, यात्रा में ध्यान रखें और पक्षियों को अन्न डालने से आज का दिन और उत्तम रह सकता है। वृषभ राशि, माता और मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अनपेक्षित शत्रु रहेंगे, जिनको अप्रत्यक्ष शत्रु के रूप में भी माना जा सकता है, तो अपने कार्य में ध्यान रखें, अन्यथा कार्य में रुकावट आ सकती है। सफ़ेद अन्न का दान करना चाहिए। मिथुन राशि, पारिवारिक क्लेश न हो इसका ध्यान रखें। पारिवारिक क्लेश के जो मूल कारण हैं उसमें विशेष रूप से वाणी पर सावधानी रखें, वाणी संयत रखें, जिससे कि पारिवारिक क्लेश से बच सके और व्यर्थ भ्रमण होना संभव है। इष्ट देवता को सफ़ेद पुष्प अर्पण करने से आपका दिन आज का शुभ रहे। कर्क राशि, आपकी दिन भर की दिनचर्या उत्तम रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, परिवार में संतोष रहेगा और धन का आगमन भी समय पर मिलेगा। निश्चित रूप से आज का दिन आपका शुभ है। इष्ट देवता को सफ़ेद पुष्प की माला अर्पित करें। सिंह राशि, आज का दिन अधिक व्यय वाला होगा, स्वास्थ्य की चिंताएं व्याप्त रहेगी, भ्रमण में सावधानी रखना चाहिए, पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में आपकी व्यस्तता रहेगी, जिसके कारण से आपकी नियमितता में थोड़ा सा व्यवधान आएगा, फिर भी आपको सफलता मिलेगी, सामाजिक यश मिलेगा और इसकी वृद्धि के लिए आपको सूर्य को अर्घ और सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। कन्या राशि, आज का दिन अनुकूल है, परिवार और रिश्तेदारों का प्यार अच्छा मिलेगा, कोई नए कार्य में व्यस्त रहेंगे, गणेश पूजन करने से आपको सफलता मिलेगी, आपकी वाणी में मधुरता रहेगी, इस कारण से आपका सामाजिक अस्तित्व भी बढ़ेगा। तुला राशि, आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा रहेगी, अर्थात मन संतुष्ट और लक्ष्मी का आगमन होगा, इस कारण से अपने कार्य और यश दोनों में प्रगति होगी, सामाजिक दायित्व अच्छा रहेगा, आज आपको देवी आराधना से लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन मानसिक संतुष्टिदायक रहेगा, किंतु आपकी जिद्दी पर और आपके क्रोध पर आप नियंत्रण रखें, ताकि मानसिक संतुष्टि पूर्ण रूप से मिल सके।
अपने यश और कार्य के प्रति समाज में सम्मान होना संभव है। कार्य में सफलता और वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा रहेगी। आज आपको हनुमान जी के दर्शन करना शुभ रहेगा। धनुराशि, आज धार्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। किसी ऐसे कार्य में जिसमें कि आपको दिन भर प्रसन्नता और व्यस्तता दोनों रहेगी। किसी शुभ कार्य की सूचना आपके मन में आपको प्राप्त होगी, जिससे मन को संतोष मिलेगा। भगवान शिव जी की आराधना आज के दिन आपको करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। मकर राशि, आज कोई निर्णयात्मक कार्य के लिए आपको भ्रमण करना होगा, ताकि उस भ्रमण में आपको यश और सफलता दोनों मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि भ्रमण न करें, अपने प्रिय व्यक्तियों के साथ में आपके सुमधुर संबंध रहेंगे और क्रोध पे नियंत्रण जरूर रखें। इसके लिए शनि देव को दीप दान करना चाहिए। कुंभ राशि, आज अपने परिवार के कार्य में व्यस्तता रहेगी। पत्नी का स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पत्नी को उदर विकार रह सकता है और अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखना आवश्यक है। मीन राशि, आज रोग और शत्रु दोनों हावी नहीं हो सके, इसका ध्यान रखिएगा, ताकि रोग और शत्रु हावी होने पर आगामी कार्यों में सफलता मिलने में दिक्कत आ सकती है। विशेष रूप से आज आपकी सामाजिक अस्तित्व अच्छा रहेगा, आपके कार्य में सफलता के योग है, परंतु विशेष रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें आज के दिन। इसके लिए गाय को रोटी या चने की दाल खिलाएं। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।